हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज ट्यूब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? अभी अभी 10 मिनट पहले ही बहुत ही ज़बरदस्त फैसला ले लिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं, आप सभी जानते हैं। शपथ ग्रहण हो चुका है। शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद ही बहुत ही भयंकर योजना लागू कर दी है पूरे देश भर में। आने वाले 10 जून 2024 सुबह से ही आप सभी की होने जा रही है मौज, आप हो जाएंगे मालामाल। तकरीबन ऐसी योजनाएं मोदी सरकार इस बार लेके आई है। 100 दिन का एजेंडा सरकार ने बनाया है, गरीब परिवारों को किया है मालामाल। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, चाहे आप देश भर के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, वीडियो को अंत तक देख ले भाई, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार इस बार, जी हाँ, तीसरी बार सत्ता में आई है। जी हाँ, तीसरी बार, यानी कि हैट्रिक लगाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दूं, शपथ ग्रहण समारोह होने के तुरंत बाद ही ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। 10 ऐसी बड़ी योजना सरकार लेके आई है जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। चाहे आप गरीब परिवार से हैं, मिडिल क्लास परिवार से हैं, छात्र हैं, महिला है, चाहे आप एक किसान है, चाहे आप एक मजदूर है, सभी के लिए खुशखबरी। सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के रहते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खा लेते हैं, ऐसे मजदूरों को सरकार बहुत बड़ा फायदा दे रही है। जी हाँ, श्रमिक सम्मान निधि योजना लागू करने जा रही है सरकार। श्रमिक सम्मान निधि में अब जिस प्रकार से किसानों को सम्मान निधि दी जाती थी, अब श्रमिकों को यानी कि मजदूरों को भी सम्मान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। 5100 रुपये प्रति साल आपको दिए जाएंगे भाई। सरकार इसको लेकर एक खाका तैयार कर रही है। आपको बता दूं, इसके लिए फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे, फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। 5100 रुपये यानी कि 5100 रुपये की जो राशि है वो आपको दी जाएगी आपके बैंक अकाउंटों में सीधे तौर पर। और ये जो लाभ है ये आपको इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा भाई। यानी कि हम बात करें, इसी महीने से आपको इसका जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है भाई उन सभी के लिए जिन्होंने ई श्रमिक कार्ड बनवा रखा है। श्रमिक हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, या कंपनी में लग रहे हैं, कारखाने में लग रहे हैं, ऐसे जो कि भाई तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये तक कमाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को सरकार इस योजना के साथ जोड़ने का काम करेगी। बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है भाई। शपथ ग्रहण समारोह होने के तुरंत बाद ही इसका ऐलान किया गया है और आपको फायदा होगा। बात करेंगे देश भर की महिलाओं के लिए, सरकार ने महिलाओं को भी तोहफा दिया है। जी हाँ, महिला सम्मान के लिए सरकार एक योजना बना रही है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के बलबूते पर सरकार ने 29 के 29, जी हाँ, लोकसभा की सीटें अपने नाम की थी बीजेपी ने भाई। और वहां पर आपको बता दूं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार हुआ करती थी, वहां से जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई थी तब से लेकर बीजेपी की जो सीटें हैं उसमें भी इजाफा हुआ था। और पूरे देश भर में जिस प्रकार से इस योजना की सराहना हो रही थी, मोदी सरकार अब महिलाओं के सम्मान में अब लाडली बहना योजना, इस योजना को पूरे देश भर में लागू करने का मन बना चुकी है। आपको मैं बता दूं, इस बार आपको पूरे देश भर में लाडली बहना योजना जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सरकार ने 100 दिन के एजेंडे में इसको भी लागू करने का फैसला लिया। आपको बता दूं, इस बार NDA प्लस बीजेपी की सरकार है। और भाई, आपको नीतीश कुमार व नायडू प्लस नरेंद्र मोदी तीनों मिलकर के जो सरकार है वो चला रहे हैं भाई। आपको बताएं, एक और जो महत्वपूर्ण योजना सरकार लेके आ रही है बिजली को लेकर, लगातार बिजली को लेकर सरकार ने पहले भी गरीब परिवारों को राहत देने का काम किया था। सरकार ने कहा था कि हम जो बिजली है वो गरीब परिवारों की बिल्कुल फ्री कर देंगे भाई, यानी कि उनको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजली का।
आपको बता दें बिजली का एक भी पैसा यानी कि एक भी रुपया आपको नहीं देना है। अगर आपका पारिवारिक वार्षिक आय 1,20,000 रुपये तक है, आप एक गरीब परिवार से हैं, जिस प्रकार से बिजली आपको दिल्ली में कुछ लोगों को दिल्ली में फ्री मिलती है, कुछ और राज्य हैं मध्य प्रदेश, वहीं हम बात करें उत्तर प्रदेश में आपको बिजली फ्री मिलेगी, यानी कि आप पूरे देश भर में जो बिजली आपको फ्री मिलेगी 200 यूनिट तक प्रत्येक उस गरीब परिवार को फ्री मिलेगी जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है, 1,20,000 रुपये तक परिवार की वार्षिक आय है, ऐसे परिवार को बिजली फ्री देने का जो सपना है वो अब सरकार ने देखा है। आपको बता दें सरकार इस बार आपको सूर्य उदय योजना 2024 के साथ तो जोड़ेगी ही, अगर आप सूर्य उदय योजना के साथ नहीं जुड़ना चाहते, आपके घर में जो नॉर्मल बिजली आती है उस बिजली का बिल भी आपको नहीं भरना 200 यूनिट तक, भाई सरकार इसको लेकर अलर्ट है, जल्द इसका खाका तैयार किया जा रहा है, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इसको भी पारित करने का फैसला सरकार ले चुकी है, जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको सबसे पहले बता दी जाएगी। भाई बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, बीपीएल का जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको एक बहुत बड़ा तोहफा सरकार देने जा रही है। भाई ध्यान दें, जिनके पास बीपीएल का राशन कार्ड है 100 गज का प्लॉट आपको दिया जाएगा, 100 गज का प्लॉट वह आपको रजिस्ट्री करके आपको दी जाएगी। भाई पहले क्या था कि 2014 से पहले जब मोदी की सरकार नहीं हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब इन योजनाओं को निकाला जाता था 100-100 गज के प्लॉट, लेकिन सरकार 100 गज के प्लॉट कागजों में ही देती थी, धरातल भी इन योजनाओं को नहीं उतारती थी, गरीब परिवार होता कि इस योजना का लाभ ही नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस बार शपथ लेने के तुरंत बाद ही अब गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए सरकार ने ऐलान कर दिया है 100-100 गज का प्लॉट दिया जाएगा। भाई आपको आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक मकान बना करके दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना में और आपको मकान दे दिया, एक बना करके एक रसोई दे दी, अब सरकार आपको मकान बना करके नहीं देगी, सरकार आपको 100 गज का प्लॉट देगी, उसमें मकान बनाने के लिए अलग से पैसा देगी, यानी कि खुद आप इस बार जो है मकान खुद अपने हिसाब से बनाएं, आप जैसा भी मकान अगर आप बनाना चाहते हैं वो मकान बनाएं, क्योंकि सरकार आपको पैसा दे रही है, 100 गज का प्लॉट आपको दे रही है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाई बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जी आप मालामाल होने वाले हैं इस खबर को सुनकर, कभी आपके घर में अगर छात्र हैं, आपके घर में अगर छात्र हैं इस बार 10वीं 12वीं में पढ़ाई करने के लिए, इस बार 10वीं 12वीं में हुए हैं, ध्यान दें 10वीं 12वीं में अगर आपके परिवार में छात्र हुए हैं उनको सरकार केंद्र सरकार की तरफ से लैपटॉप या फिर टैबलेट उपलब्ध करवाया जाएगा जुलाई के 1 तारीख से ही। भाई सरकार इसको लेकर अलर्ट है, आपको बता दें 1 तारीख से ही आपको टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे किसी भी राज्य में आप रहते हैं, किसी भी गांव शहर में रहते हैं, जैसे ही और योजना आएंगी सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।